अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी आज हम लोग आए हुए थे एक थाई ट्रेडिशनल वेडिंग में। तो जी हम लोग वेन्यू पे पहुँच चुके थे। वेन्यू कुछ इस तरह का था। यहाँ शादियाँ जो होती हैं वो अमूमन 6 बजे स्टार्ट हो जाती हैं। साइड पे एक काउंटर बना हुआ था जहाँ कुछ लोग खड़े हुए थे आपके वेलकम के लिए। बस हम लोग अंदर चलेंगे। यहाँ शादियाँ वैसे अमूमन जो हैं वो सुबह चर्च में ही होती हैं, और रात में एक छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज ये लोग करते हैं कि जिसने आना है वो आ जाए। और शादी की कार्ड पे ही आपको टेबल नंबर अलॉट हुआ हुआ होता है, आपको उस टेबल नंबर पर जाके अपना बैठना होता है। अब हम अपना टेबल देख रहे थे। इस तरह कुछ लोग जो हैं वो आपको टेबल टू टेबल सर्व करेंगे। हम अपनी टेबल पर बैठ चुके थे। ये हमारी टेबल है। यहाँ स्टेज पर रस्में होना शुरू हो चुकी थी। ये इनके ख़ानदान के कोई बड़े थे, अभी आके जो है वो अपनी रस्मात जो है वो सर अंजाम देंगे। वैसे तो शादी इन लोगों की सुबह 7 बजे हो गई थी, लेकिन जो है वो चर्च में मोबाइल अलाउ नहीं था, तो इसलिए मैंने वो शूट नहीं करा। इन लोगों की शादी भी थोड़ी बहुत इंडियन टाइप की मुझे लग रही थी, क्योंकि इंडिया में भी कुछ इसी तरह का होता है। यहाँ हमारा खाना आ चुका था। यहाँ खाना जो है यहाँ की शादियों में टेबल टू टेबल सर्व किया जाता है, लेकिन हमने इसमें से कुछ भी नहीं खाया था। बस ये यहाँ इनकी एक और जो है वो रस्म सर अंजाम दी गई। ऑल ओवर शादी बहुत अच्छी थी और हम लोग को मज़ा भी आया, क्योंकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा। बस अब यहाँ दुल्हन दुल्हा जो है वो सबको थैंक यू करने के लिए उनकी टेबल्स पर जा रहे थे। हार्डली शादी का फंक्शन जो था 3-3.5 घंटे का था, और यहाँ शादी ख़त्म हो गई है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो उसमें प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।